स्वास्थ्य के नजरिए से हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यमुनानगर में 229 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 46 स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया, तो वहीं सीएम खट्टर ने यमुनानगर में 95 करोड़ की लागत से तैयार हुए मुकंदलाल सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया। यमुनानगर में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां सीएम खट्टर ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं गठबंधन टूटने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी सीएम ने पूर्ण विराम लगा दिया। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर का है, इसका रेनोवेशन हुआ है, लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत से ये हुआ है। इसी प्रकार इसमें नीचे गांव से लेकर के और कस्बों तक बहुत से प्रोजेक्ट, कुल 46 प्रोजेक्ट थे, जिसमें CHCs हैं, PHCs हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, और इन सब के लिए भी आज जो 46 स्थानों पर ये जो सुविधाएँ दी गई हैं, इसके कारण से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रोगी जिनको इलाज की सुविधा में छोटी मोटी कठिनाई जो आती थी, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा और उसके बाद में डॉक्टर्स की संख्या जितनी अच्छी बढ़ेगी, उतना लोग उपचार कराने में अपनी सुविधा जो है महसूस कर सकेंगे। सर कितनी करोड़ की लागत से पूरा? लगभग 229 करोड़, तो 229 करोड़ की लागत की सभी 46 प्रोजेक्ट्स की इसकी लागत आई। मैंने बताया स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे पास जितने उपलब्ध हैं उनको तो सबको भर्ती हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए नए ट्रेनिंग्स भी हर वर्ष आते हैं। अभी हर वर्ष डॉक्टर्स का जैसे नया बैच आता है, या हमारे पैरामेडिक्स के नए बैच आते हैं, नर्सिंग के आते हैं, तो हर वर्ष हमारी रेगुलर भर्ती चलती है। हमने पिछले रेगुलर भर्ती में चाहे वो उनको नियमित भर्ती के रूप में लिया है या अस्थायी रूप से भी जो थोड़े समय के लिए भर्ती करने होते वो भी हम करते हैं। और हमने तो अब एक बॉन्ड भरवाया है जो मेडिकल यानी छात्र हैं MBBS में पढ़ने वाले, कि उनको खाली नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है तब तक के लिए उनको स्टाइफंड दे करके और NHM के रेट्स के ऊपर उनको सैलरी दे करके उनको सबको रखेंगे। 5 साल में उनका ये पीरियड भी जो काउंट होगा, तो 5 साल तक वो सेवा अपनी हरियाणा को देते रहें, इस प्रकार के कुछ वर्ष के बाद वो बॉन्ड भी शुरू हो जाएगा। चुनाव तो आ ही गया सामने, उसमें क्या, जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अभी तो एग्जिट पोल के ऊपर आप लोग बोल रहे हैं, अब वो कितना सच है कितना नहीं है वो तो परसों 2 दिन में पता लगेगा। आप ही यही अभी गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, गठबंधन बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम बिल्कुल गठबंधन ठीक चल रहा है, किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, सवाल उठाने वाले भी आप हैं, उत्तर देने से उठने वाले भी आप। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जजपा तो केवल एक सहयोगी है जिसकी बातें हम नहीं मानते हैं। सीएम का ये बयान सामने आने के बाद गठबंधन टूटने की अटकलें तेजी से चलने लगी, जिसको लेकर आज सीएम खट्टर ने साफ कर दिया कि गठबंधन ठीक तरीके से चल रहा है और सवाल केवल मीडिया ही उठा रही है। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।